हम पूरा परिवार मर जाए मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। उत्तर प्रदेश में जंगल राज जारी है। बीडीसी सदस्य मैनुद्दीन के घर को दबंगों ने जेसीबी से तोड़ दिया है। मैनुद्दीन का परिवार जेसीबी के आगे खड़ा होकर हाथ जोड़कर विनती करता रहा, यहां तक जेसीबी पर भी चढ़ गया, मगर दबंगों के आगे मैनुद्दीन की एक ना चली और घर को दबंगों ने जमींदोज कर दिया। ये पूरा मामला गोंडा के परसपुर के नंदौर गाँव का है। जानकारी के मुताबिक नंदौर गांव में बीडीसी ने भाजपा से जुड़े एक नेता को वोट नहीं दिया था और बाद में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव निर्विरोध हो गया और बीडीसी मैनुद्दीन का घर इसी खुन्नस में दबंगों ने तोड़ दिया। मगर इस मामले में पुलिस का रवैया भी काफ़ी धुलमुल देखने को मिला। पूर्व मंत्री योगेश प्रताप सिंह ने इसकी जानकारी जब फोन पर सीओ को दी तब जाकर पुलिस हरकत में आई। इसके बाद पुलिस ने जेसीबी को जब्त कर लिया है और एक आरोपी यशवंत सिंह को गिरफ्तार भी किया। दिनांक 11/7/21 को थाना परसपुर अंतर्गत ग्राम नंदौर से मैनुद्दीन द्वारा सूचना दी गई कि मेरा घर गिरा दिया गया है। इस पर तत्कालिक स्थानीय पुलिस पहुंची तो देखा गया कि कच्चे दीवार पर मढ़ा रखा हुआ है जो जेसीबी द्वारा गिराया गया है। पुलिस द्वारा जेसीबी को कब्जे में ले लिया गया है तथा एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है। वादी की तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत, विधिक कार्रवाई की जा रही है।